सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बातें करेंगे बायोलॉजी में बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट मींस साइंटिफिक नेम। जब हम लोग पिछले क्लास में बायोलॉजी को देखा, उसमें देखे थे हम लोग किंगडम, दैट मींस देयर आर 5 किंगडम, यानी पूरे बायोलॉजी में 5 जगत में विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। या मेन को रखें, या एनिमल्स को रखें, या प्लांट को रखें, जितने भी आगे देखेंगे हम लोग साइंटिफिक नेम, सबको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आ रही बातें समझ में? दैट मींस आज देखेंगे हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी एक साइंटिफिक नेम, और उस साइंटिफिक नेम में 2 चीजें रहेंगी। क्या क्या रहेंगे फ्रेंड्स? पहली बात करेंगे हम लोग जीनस यानी वंश की बात, और दूसरा स्पीशीज यानी जाति की बात। दैट मीन्स ये जो चैप्टर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि केवल और केवल आपके एग्जाम में पूछे क्या जाएंगे, साइंटिफिक नेम। और उस साइंटिफिक नेम में 2 चीजें, पहली जीनस और दूसरा उसकी स्पीशीज यानी जाति। अरे बातें समझ में? स्टार्ट करें, देखिए। दैट मीन्स ब्रिजेश पांडे ने कहा, सर आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर क्लासेस फॉर 1 आवर, थैंक यू वेटिंग फॉर। सर अगर आप वेट करते हो तो आप श्योर रहो कुछ न कुछ नई बातें सीखने को जरूर मिलेंगी, और इसका बेनिफिट आपको फ्रेंड्स एग्जाम हॉल में जरूर दिखेगा कि हमने महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे जीएस पढ़ा सीखा और जीएस गुरु से कुछ ना कुछ सीखा, क्योंकि हम रेलवे में भी कल पढ़ाया, कुछ एक ट्रिक्स दिया। अब उस ट्रिक को अगर आप देखें, याद रखें, तो कई सारे क्वेश्चंस वायसराय से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें सेशन को। देखिए, सबसे पहले देखें, इन बायोलॉजी द नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सर स्क्रीन को लार्ज कर दीजिए, बच्चों को दिखे स्पष्ट। बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। यानी जीव विज्ञान में प्रत्येक जीव के नाम के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट की बात करें, जीनस। जीनस फ्रेंड्स दैट मीन्स वंश। जीनस नेम ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर, यानी हमेशा याद रखें फ्रेंड्स कि वंश का नाम जो हमेशा बड़े अक्षर के साथ शुरू होता है। कई सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर बायो के साइंटिफिक नेम याद नहीं रखे रख अच्छा याद नहीं होता है, मदद करें। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज याद रहे, ये ना अगर बायोलॉजी की बात करें, जितने भी साइंस की बात करें, तो उसकी जो खोज है वो मोस्टली अब्रॉड ऑफ इंडिया, भारत से बाहर के वैज्ञानिकों ने खोज करी है। इस कारण से हमें याद रखने में परेशानी होती है। बट अगर रेगुलर हम क्वेश्चंस बनाएंगे, रेगुलर देखेंगे, तब क्या होगा, हम भूलेंगे नहीं। क्योंकि कहा भी जाता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। कंफ्यूज कौन करता है? जो रेगुलर पढ़ता है। सो नहीं, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या कंफ्यूज करेगा। यानी हम रेगुलर पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्या है फ्रेंड्स? जीनस। क्योंकि जब तक हम नोमेनक्लेचर नहीं देखेंगे तब तक सेल की बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट वंश, और सेकंड क्या है? स्पीशीज, जो जाति को डिनोट करता है और हमेशा स्मॉल लेटर के साथ शुरू होती है। यानी फर्स्ट की बात करें, जैसे आप एग्जांपल में देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो क्या डिनोट करेगा फ्रेंड्स? इसके वंश को। जो हमेशा होमो यानी पहले जो वर्ड है उसके पहले लेटर हमेशा कैपिटल होंगे, और दूसरे जो सैपियंस जो डिनोट करेंगे स्पीशीज को, जाति को, उसके पहले लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यानी 2 अक्षर से, या कहें 2 वर्ड से मिलकर बना होता है किसी भी ऑर्गन्स
या किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम। पहला हमेशा याद रखें वंश, दूसरा हमेशा याद रखें उसके। अब आगे देखें एग्जांपल होमो यानी, फिर देखिए एक और तरीके से समझें, होमो दैट मीन्स नेम ऑफ जीनस या वंश का नाम, और सैपियंस दैट मीन्स नेम ऑफ स्पीशीज जाति का नाम। कोई कंफ्यूजन नहीं है अब देखिए, बट अगर बायो के स्टूडेंट होंगे तो उनको तो पता होगा, लेकिन अगर बायो के स्टूडेंट नहीं है तो समझें कि साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा ही लिख दिया जैसे तैसे लिख दिया। क्या मतलब है, देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्गीकरण के पिता कौन, कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस जो स्वीडिश जीव वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1973 में इसकी खोज की। अब देखिए इसके बेसिक यूनिट क्या है फ्रेंड्स, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, हम किस आधार पर डिटरमाइन करते हैं, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर नहीं। कैसे, अभी मान लीजिए देखिए स्नेक है, तो अगर हम वंश के आधार पे करते हैं तो सारे स्नेक का नाम एक ही होता, जितने सारे स्नेक हैं सबका नाम एक ही होता फ्रेंड्स, चाहे वो किंग कोबरा की बात करें या पाइथन की बात करें। लेकिन जो वर्गीकरण करने की जो यूनिट है वो क्या है, जाति है, यानी हम जात, हम लोग जाति के आधार पे किसी भी ऑर्गन्स का नाम हम लोग डिटरमाइन करते हैं, साइंटिफिक नेम डिटरमाइन करते हैं। आ रही है बात समझ में, दैट मीन्स किसी भी ऑर्गन्स का नाम हम रखेंगे किस आधार पे, जाति के आधार पे, ठीक है, क्योंकि वंश के आधार पर नहीं होगा, वंश के आधार पर होगा, देखो वही तो कहा एग्जांपल दिया, अगर वंश के आधार पर होता तो फ्रेंड्स याद रखने में हमें कम मेहनत करनी पड़ती, क्यों, क्योंकि सारे स्नेक का नाम एक ही होता, ठीक है, यहां तक कोई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट, देखिए बेसिक आधार क्या है, हम लोग जो डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली द जीनस एंड अ स्पेसिफिक नेम आर रिटेन इन इटैलिक्स, यानी हम लोग जब भी नाम लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को तो किस में, इटैलिक्स में, और डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, यानी मूल रूप से वंश और जाति नाम पाठ में विभिन्न करने हेतु इसे इटैलिक्स में लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी आज देखेंगे हम लोग उसमें क्या मिलेगा, इटैलिक्स, और ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स आर यूज्ड इन राइटिंग नेम्स, दैट मीन्स 26 लेटर्स फ्रेंड्स, दैट मीन्स जितने भी अक्षर हैं हम सारे अक्षर का यूज करेंगे, लेकिन किसका यूज नहीं करेंगे, देखिए ना हम गैपिंग करेंगे, ना अंतराल देंगे, ना एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, ना हाइफंस का यूज करेंगे, किस, ना हम नंबर का यूज करते हैं, यानी ना अंतराल की यूज करी जाती है, ना भाषा, ना अक्षर लोप, अक्षर लोप यानी क्या हो गया, एपोस्ट्रॉफी, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, डज नोट की जगह पे क्या लिखते हैं, डजंट, एपोस्ट्रॉफी यानी क्या हो गया, अक्षर लोप, अक्षर लोप यानी ओ के जगह पे हमने क्या यूज कर दिया, एपोस्ट्रॉफी को, दैट मीन्स कुछ भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब वी कैन ऑल्सो राइट साइंटिफिक नेम्स, बट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग वैज्ञानिक नाम एच सैपियंस जैसे भी लिख सकते हैं, यानी वंश का नाम संक्षिप्त रूप से और जाति का नाम पूर्ण रूप से। संदीप पांडे जी सर कुछ नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स, कहा यही कि इटैलिक में लिखा जाता है और इटैलिक के अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करते, जैसे अब देखिए होमो सैपियंस है ना, अब अगर खूबसूरत बनाने के लिए आप इन्वर्टेड कोमा लगा दीजिए, हो सकता है होमो के बाद हाइफन लगा दें,
हो सकता है नंबर वन दे दें, यानी हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं वैज्ञानिक नेम में, कुछ भी यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल कैसे लिखा जाता है, बस देखिए इटैलिक्स में और अल्फाबेट के जितने सारे लेटर हैं यानी 26 लेटर, ठीक है। देखिए अब याद रखने के लिए हम लोग देखें साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना बनेगी कि आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जैसे ही लगभग आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 साइंटिफिक नेम देखेंगे, इसके बाद करीब करीब 10 क्वेश्चंस को लगाएंगे इसी क्लास में, क्यों, ताकि रिवीजन भी हो जाए हमारा चैप्टर और चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी अंदाज लग जाए। और ये बातें समझ में, फिर से समझिए, कहा क्या कि आज हम लोग 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम देखेंगे और जैसे ही 45 साइंटिफिक नेम खत्म होगा इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि ये समझ में आए कि सर क्वेश्चंस कैसे आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए देखिए, पहला काव यानी गाय, काव का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस, देखिए कैसे लिखा हुआ है ना, इटैलिक में लिखा हुआ, यानी जब भी रहेगा साइंटिफिक नेम कैसे रहेगा इटैलिक में, बाकी बात नो यूज एपोस्ट्रॉफी, नो यूज हाइफन, नो यूज एनी लेटर, कोई भी चीज यूज, और ना ही नो यूज गैपिंग, कुछ भी यूज हम लोग नहीं करेंगे। मिंटू दासी, हर जितने सारे हम लोग लेक्चर लेते हैं सारे लेक्चर का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। बाइसन यानी जंगली सांड, साइंटिफिक नेम बोस गौरस, अब जैसे याद रखिए, अब हिंदी में भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में याद रखो, जैसे हमें याद रखनी है, बस फ्रेंड्स रट्टा नहीं मारना, इसको देखते जाना है, क्वेश्चंस मिलेंगे याद आ जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर हम रिवीजन किया हुआ रहता है हमारा एग्जाम हॉल में 200% हमारा माइंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। ब्लैक बक यानी ब्लैक हिरन, एंटीलोप सर्विसेप्रा, एकदम गौर से देखिए, इसी में से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग इस चैप्टर के बाद। चिंकारा याद होगा, चिंकारा, यही चिंकारा के चक्कर में उदयपुर के सेंट्रल जेल में सलमान खान को गुजारनी पड़ी थी, सो ब्लैक है ना, दैट मींस इसके साइंटिफिक नेम की बात करें कजेला बेनिटी, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इससे ना हो, हम तो हिंदी से देखेंगे। नील गाय बोसेलाफस ट्रागो कामेलस, बोसेलाफस ट्रागो कामेलस। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बाद टुमारो की बात करें तो कल हम लोग सेल देखेंगे, क्योंकि जब तक आपके बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर नहीं होगा एंड, तब तक हम लोग सेल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, नील गाय साइंटिफिक नेम क्या होगा, बोसेलाफस ट्रागो कामेलस। और आगे देखिए, वुल्फ यानी भेड़िया, भेड़िया का कैनिस लूपस, ठीक है। लायन साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, क्या नाम है इसका, पैंथेरा लियो। एलिफेंट यानी हाथी, गाइस कई सारे फ्रेंड्स को लग रहा होगा कि सर ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स 200% इंपॉर्टेंट है ये, रेलवे के लिए भी और आपके एसएससी के लिए भी, क्योंकि एएलपी की डेट सुनने में आ रहे फ्रेंड्स मई, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है। यानी हाथी का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम क्या होगा, एल्फस मैक्सिमस। जंगली गधा वाइल्ड डेज का साइंटिफिक नाम एक्वस अफ्रीकन्स एसुनस। लैपर्ड जिसको हम लोग पैंथर भी कहते हैं, चीता जिसके साइंटिफिक नेम पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा पैराडस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, पीकॉक, जो पीकॉक के बारे में पूछा गया कई बार, पावो क्रिस्टेटस, पीकॉक का साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। पावो क्या हो गया फ्रेंड्स,
वंश क्रिस्टेटस क्या हो गया, इसकी जाति। यानी हमेशा याद रखिए जो वंश है कैपिटल लेटर, जाति है स्मॉल लेटर में। और साइबेरियाई क्रेन, इसके साइंटिफिक नेम ग्रस ल्यूकोग्रानस, ग्रस ल्यूकोग्रानस। फॉक्स लोमड़ी, वल्पस वल्पस, ठीक है। ग्रुप डी के बारे में सर अभी तक पता नहीं चला शुभम जी, ठीक है। जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्म होगा, जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा, एकदम हम आपके सामने हम लोग लेके आएंगे। देखिए पूजा जी, एग्जाम हर चीज का ट्रिक नहीं होता है, अगर इससे भी हम लोग ट्रिक के जरिए याद रखेंगे तो गड़बड़ होगा। बस एक ही किसी ना किसी रूप से जोड़े इसको, ठीक है। गैना राइनोसेरस, अब देखिए राइनो के आगे तो लगा हुआ राइनो, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, राइनोसेरस ना देकर बस केवल क्या देता है, यूनिकॉर्निस, उसके स्पीशीज के बारे में। टाइगर यानी बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस, क्या होगा पैंथेरा टाइग्रिस। देखिए आगे क्रोकोडाइल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का क्या होगा, क्रोकोडाइल्स पलुस्तरिस। गैवियल या घड़ियाल, वही कहा कि अगर वंश के आधार पर होता तो देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल में कोई अंतर नहीं है, एक ही नाम होता, लेकिन ये किस आधार पर डिटरमाइन की जाती है, स्पीशीज यानी जाति के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। यानी गैवालियस गैंगोटिकस, हॉर्स घोड़ा का, इक्वियस कैबेलस, जेबरा का फ्रेंड्स इक्वेस कगागा, और बैफेलो भैंस, ये पूछा गया एग्जाम में, बाबलस बोबलिस। बफेलो का देखिए याद रखिए अपना ट्रिक जोड़िए, बफेलो बी, अब इसमें भी बी, इसमें भी बी, कुछ इसी तरीके से ना जोड़ना होगा जब पढ़ेंगे तब, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसको याद रखने का। क्योंकि मान लीजिए ट्रिक बना भी दें बट फ्रेंड होगा क्या, जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे ना बहुत सारे नाम है, इसीलिए कहा कि मोस्ट इंपोर्टेंट 45, यानी जो लगा पूछे गए हैं पहले भी और संभावना बनता है आगे पूछने का, हमने क्या किया कलेक्शन तैयार किया और आपके सामने लेकर आए, ठीक है। देखिए वाइल्ड बोअर जंगली सुअर, नाम क्या है इसका, सुस अस्क्रोफा। हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, इसके साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फीबियस। एम्फीबियस, अब देखिए एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब क्या होता है, जो लैंड पर रहे और जो वाटर पर रहे, एम्फीबियस को बोलते हैं ना एम्फीपाई ग्रुप का, यानी हिप्पोपोटामस एम्फीबियस। मिंटू दास जी पता है, लेकिन देखिए इसमें भी अगर ट्रिक बना दें तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए अगर लगेगा ट्रिक पर कि अगर इसके लिए भी ट्रिक होनी चाहिए, बिल्कुल आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए आगे देखिए हाउस वाल लिजार्ड घरेलू छिपकली, हेमिडाक्टिलिस फ्लावरिसिस। आगे रिसस बंदर या बौदार, याद होगा फ्रेंड्स रिसस बंदर क्या है, जब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, और ब्लड पढ़ेंगे और बेटर तरीके से समझाएंगे, इसी रेसस मंकी के नाम पर आरएच फैक्टर का डिटरमाइन किया गया है। अब उस समय पूछेंगे फ्रेंड्स कि रेसस मंकी का साइंटिफिक नेम मकाका मुलाटा, रिसस मंकी का साइंटिफिक नेम क्या है, मकाका मुलाटा। डॉग कैनियस लूपस फैमिलरीज, फैमिलरीज इसलिए देखिए यानी ये घरेलू है, बिल्ल कैट फेलिस डोमेस्टिकस, चीता एंसिनोकस जुबेटस, और ब्लैक रैट रैटस रैटस। आगे देखिए घरेलू चूहा हाउस माउस, मस मस्कोल्स, और खरगोश रैबिट ओरियस्टोग्लेगस कनिकुलस। अब आपके सामने घरेलू गौरैया हाउस स्प्रे, हाउस स्पैरो को पासर डोमेस्टिकस। इंडियन पैरोट भारतीय तोता पेस्टिकुला यूपिटेरिया, क्योंकि फ्रेंड्स इंडियन पैरोट भी है और रंग बिरंगी तोता भी है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या इंडियन पैरोट के बारे में, ठीक है इंडियन पैरोट के बारे में। अच्छा कृष्ण विष्णु जी नोट कर रहे हो, वेरी गुड, नोट करिए।
यानी भारतीय तोता के बारे में पूछा गया तो पेस्टिकुला यूपेटेरिया। घरेलू गौरैया के बारे में बात करें तो पासर डोमेस्टिकस। खरगोश के बारे में बात करें, रैबिट के बारे में बात करें तो ओरास्टोलेगस कनिकुलस। घरेलू चूहा हाउस माउस मस मस्कुलस। ठीक है, चलिए उतार दिए, हो गया, अब आगे बढ़े। आगे देखिए बुलबुल, बुलबुल की बात करें तो मोलपास्टिस कैफर। बुलबुल में क्या फ्रेंड्स, मोलपास्टिस कैफर। कोयल कुक्कू, कुक्कू में क्या हो गया, यू डायनेमिस, यू डायनेमिस। पीजन की बात करें कबूतर, कोलंबिया लिबिया, कोलंबिया लिबिया। इंडियन कोबरा, भारतीय कोबरा, देखिए नाजा नाजा। अब पता है इसका पूरा नाम क्या है, देखो नाम अल्पिडो नाजा नाजा। अब याद कैसे रखिए भैया, भारतीय कोबरा है नाजा नाजा, यानी अब कहीं कहीं फ्रेंड्स इसके जगह पे एन ए जेड ए रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। इंडियन कोबरा यानी भारतीय कोबरा के वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम अल्पिडो नाजा नाजा। और ये क्वेश्चन आपके सीएचएसएल इस बार के सीएचएसएल में पूछा जा चुका है, इस बार के जो सीएचएसएल हुए हैं उसमें पूछा जा चुका है। कैसे रहा है क्वेश्चन, सो देखिए, नाजा नाजा किसका साइंटिफिक नेम है, ये नहीं पूछा क्वेश्चन कि इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है, क्या नाम है, यानी अल्पिडो नाजा नाजा किसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, देखिए किंग कोबरा ऑफिगैबस हन्ना। और देखिए सी स्नैक समुद्री सांप हाइड्रोफोनी। और इंडियन पाइथन अजगर की बात करें तो क्या हो गया, पाइथन मोलूरस। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके एनिमल्स, और आगे देखेंगे चार पांच जो आपके प्लांट्स। फिर से रिवीजन करें, किंग कोबरा क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑफिफैगस हन्ना, सी स्नेक समुद्री सांप हाइड्रोफिनी, इंडियन पाइथन यानी अजगर की बात करें तो पाइथन मोलूरस, और चावल देखेंगे तो ओराइजा सेकाइवा। चावल के साइंटिफिक नेम, राइस का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, ओराइजा सेकाइवा। संजू शर्मा जी देखिए याद, इसको एक ही ऑप्शन है, या तो पीडीएफ को अपने पास सेव रखिए और जब आप फ्री हैं, जब आपको लगता है थोड़ी समय है हमारे पास, बस एक नज़र रिवीजन मार लीजिए, क्योंकि ना इतनी टफ नाम है, हम रट्टा मारेंगे, इसको याद रखेंगे इधर भूलेंगे, इधर याद रखेंगे इधर भूलेंगे, और ट्रिक में तो और गड़बड़ होगी। बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपने पास मोबाइल में इसको सेव रखिए, और जब समय मिलता है, आप जर्नी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी फ्री हो, आप आराम से मोबाइल निकालिए, उसको रिवीजन करिए, एग्जाम के पहले आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखिए आगे गेहूं विट साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। क्योंकि जितने सारे लोग जो सफल हुए हैं, जितने सारे लोग जो जॉब लिए हैं, भैया सबने मेहनत करी है तभी जाकर आज वो सफल। मटर पी की बात करें तो पाइसम सटाइवम। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। ग्राम चना की बात करें तो सिसेर रियाटिन। और मस्टर्ड सरसों ब्रासिका कैंपेसिट्रस। इसको अच्छे तरीके से रीड करिए, देखिए, और अभी देखेंगे इसके साथ ही क्वेश्चंस कि आपने क्या रीड किया और क्या स्टडी किया। फिर से रिवीजन करें, विट साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, पी पाइसम सटाइवम, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, ग्राम चना, सिसेर रियाटिन, मस्टर्ड सरसों ब्रासिका कैंपे सिट्रस। क्योंकि देखिए ये करेंगे क्या, जब हम तो चक्कर पड़ रहे, जब एग्जाम नजदीक हो जाएगा सिस्को का या सीजीएल का, तब जितने सारे सब्जेक्ट हैं सबसे मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर आएंगे 25 और 50। सीजीएल के लिए 25, सीपीयू के लिए 50, और फ्रेंड्स उसमें
ये क्वेश्चंस डालेंगे ही। और याद होगा रेलवे वाले क्लास में एक क्वेश्चन सब करवा ही रहे हैं, रेलवे वाले क्लास में फ्रेंड्स एक क्वेश्चंस करवा ही रहे हैं साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि देखिए सीख दोनों जगह से सकते हैं, अब वहां से भी सीख सकते हो, यहां से भी सीख सकते हो। ठीक है, यहां तक आई बातें समझ में? चलिए अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आज का, द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन साइंटिफिक टर्म इज नॉन एच। जीवों का नामकरण वैज्ञानिक पद के पद में डैश के रूप में जाना जाता है। ट्रिनोमियल नोमिनेक्लेचर, त्रिकोणीय नामकरण, बाइनोमियल नोमिनेक्लेचर, द्विपदीय नामकरण, साइंटिफिक नोमिनेक्लेचर, वैज्ञानिक नामकरण, ऑल ऑफ देम। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। कृष्ण विष्णु जी फायदा है ना इस क्लास लेते हो तो। चलिए बताइए क्या होगा, जीवों का नामकरण वैज्ञानिक पद में किसके रूप में जाना जाता है? क्योंकि अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा है इसको। चलिए बताओ, देखो अभी पढ़े हो ना, कई सारे बना रहे थ्री, वाई कैसे गलती हो गया? क्या होगा, बाइनोमियल नोमिनेक्लेचर, यानी जीवों का नामकरण वैज्ञानिक पद के रूप में जाना जाता है किसे? बाइनोमियल नोमिनेक्लेचर। देखिए कुछ फ्रेंड्स हमारे जो मिस्टेक कर गए, क्यों, ये साइंटिफिक नोमिनेक्लेचर में, वैज्ञानिक नामकरण में। तो भैया ये वैज्ञानिक नामकरण है लेकिन दो पद है ना उसमें, दो पद यानी एक जीनस और दूसरा क्या था, स्पीसीज, यानी वंश और जाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसिया फिस्टूला इज साइंटिफिक नेम ऑफ। कैसिया फिस्टूला डैश का वैज्ञानिक नाम है मानव, टमाटर, अमलतास या आलू। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका, कैसिया फिस्टूला इज साइंटिफिक नेम ऑफ। कैसिया फिस्टूला का वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए कई लोग कह रहे हैं फ्लावर, भैया फ्लावर तो ऑप्शन है भी नहीं, क्या होगा आंसर? देखिए ज्योति देसवाल ने सही बताया, अमलतास। फ्रेंड्स ये ना एक आयुर्वेद फल है, फ्रूट्स, बिल्कुल येलो कलर का होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है अमलतास का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम कैसिया फिस्टूला। ठीक है, बताइए किसका कितना सही हुआ है, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो ना बाद में, क्योंकि रेलवे में देखा कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके फ्रेंड्स 10/10 है, इससे यही लगता है कि मेहनत सही दिशा में काम कर रही है, क्योंकि एकदम देखते हैं हम कमेंट बॉक्स, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसका कितने सही हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग बाइनोमियल नोमिनेक्लेचर पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स आर। द्विपदीय नामकरण को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक नाम के अंतर्गत क्या है, जीनस एंड क्लास, वंश और वर्ग, जीनस एंड किंगडम, वंश और जगत, जीनस एंड स्पीशीज, वंश और प्रजातियां, जीनस एंड फाइलम, वंश और समुदाय। चलिए संजू शर्मा जी का कहा 3/2, 2/3, वेरी गुड। पूजा का 1/2, विकास तमाम 4/4, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं काजल जी, आगे सही होंगे। चलो क्या होगा बताओ, द्विपदीय नामकरण को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक नाम के अंतर्गत है, क्या होगा फ्रेंड्स?
जीनस एंड स्पीसीज, जीनस एंड फाइलम, जीनस एंड किंगडम, जीनस एंड क्लास। क्या होगा आंसर? देखिए क्या होगा, देखो थ्री ना, जीनस एंड स्पीसीज यानी दो चीजें, वंश और प्रजातियां, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ प्रपोजिंग साइंटिफिक नेम्स फॉर डिफरेंशिएटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, जीवित जीवों को अलग करने के लिए वैज्ञानिक नामों का प्रस्ताव देने का तरीका डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नॉमिनल नोमेनक्लेचर, अमीनो नोमेनक्लेचर या ऑटोट्रॉफ नोमेनक्लेचर। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से फ्रेमिंग कर लाए हैं आपके सामने, ताकि कोई कसर, किसी भी तरह का कंफ्यूजन मन में ना रहे। बताओ क्या होगा इसका? जीवित जीवों को अलग करने के लिए वैज्ञानिक नामों का प्रस्ताव देने का तरीका कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नॉमिनल नोमेनक्लेचर, अमीनो नोमेनक्लेचर या ऑटोट्रॉप्स नोमेनक्लेचर, सपोषी नामकरण। इसका तो सही होनी चाहिए सारे के सारे, देखो फिर भी किसी ने गलती मार दिया। क्या होगा? बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पहले क्वेश्चंस थे, वही पहले क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिवर्ट किया, थोड़ा सा चेंजेस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द सेकेंड नेम रिप्रेजेंट्स इच, द्विपदीय नामकरण में दूसरा नाम डैश का प्रतिनिधित्व करता है। स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम या क्लास। द्विपदीय नामकरण में दूसरा नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्पीसीज, जाति, ऑर्डर, किंगडम, क्लास। सर हमें स्क्रीन पर ले आइए, द्विपदीय नामकरण में दूसरा नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है? चलो जल्दी जल्दी बताओ फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर इसका? स्पीसीज, वेरी गुड। क्या होगा? स्पीसीज, है ना, क्योंकि पहला ये, दूसरा नाम कहा, अगर फर्स्ट नेम की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? जीनस यानी वंश। फर्स्ट नेम जीनस, सेकेंड नेम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्गी, अमीबा एंड पैरामीशिया बिलोंग टू द किंगडम इच, सहवाल अमीबा और पैरामीशिया डैश जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रोटिस्टा, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट या वायरस विषाणु। चलिए हरीश यादव जी ने कहा मैंने सही बताया था, किसने भी सही कहा, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। ऐसे ही तैयारी करना है, बस ऐसे ही तैयारी करनी है और बस जी जान लगाकर मेहनत करनी है, बाकी बात तो कहा जाता ना, फल देने के लिए ऊपर में बैठा हुआ है। एकदम बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। चलो बताओ क्या होगा, क्योंकि हम लोग बायो के पहले क्लास में इसको क्लियर किए थे, सहवाल अमीबा और पैरामीशिया डैश जगत से संबंधित है। क्या होगा? प्रोकैरियोट। और कल जब पढ़ेंगे हम लोग सेल, तो सेल में और बेटर तरीके से दिखाएंगे कि प्रोकैरियोट क्यों और यूकैरियोट दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। और उम्मीद है कल के जो सेल के जो नोट्स मिलेंगे आपको, यानी पीडीएफ के रूप में और वीडियो जो देखोगे, कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्या होगा? प्रोकैरियोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द मैन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, कैनिस फैमिलरीज, फेलिस डोमेस्टिका या होमोसैपियंस? चलिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द मैन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलो वेरी गुड, ये तो क्वेश्चन किया तो पता ही है सबको, बहुत आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ता है। होमो सैपियंस, ये हो गया फ्रॉग। और अभी हमने दोनों पढ़ा, कैनिस फैमिलरीज और फेलिस डोमेस्टिका। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए फ्रेंड्स, कैनिस फैमिलरीज किसे कहते हैं, किसका साइंटिफिक नेम है, और फेलिस डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नेम है? क्योंकि राना टिग्रीना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम, होमो सैपियंस मैन का साइंटिफिक नेम, ये दोनों मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया। अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए किसका क्या है। चलिए वेरी गुड, जिसने कहा डोगर कैट, बिल्कुल सही, ये प्रतिभा ज्वाल ने सही कहा, यानी फ्रॉग डॉग कैट एंड मैन, वेरी गुड। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट इज, मूंगफली का वानस्पतिक नाम है? अरकिया, हाइपोगिया, थाय स्वेनेसिस, सिंडॉन डिक्लॉन या कॉफिया अरेबिका? चलिए बताइए क्या होगा, मूंगफली का वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट इज, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या होगा, अरिक्या हाइपोगिया, बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट इज अरिक्या हाइपोगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीपल ट्री, पीपल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिक्स डिलिजियोसा, ओसिमम टेनुफ्लोरम, सोलनम ट्यूबेरसोम, ट्रिटिकम? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीपल ट्री? पीपल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फिकस रिलीजियोसा, कैसे याद रखें, देखिए पीपल की बात करें, हिंदू रिलीजन के लिए काफी पवित्र मानी जाती है। अब देखिए इसमें एक वर्ड है रिलीजियोसा, रिलीजियोसा यानी रिलीजन की बात करता है ना, यानी जहां देखें रिलीजियोसा, फाइकस फिकस रिलीजियोसा, किसका होगा? पीपल ट्री का। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन, और जब कल मिलेंगे तो कल देखेंगे सेल के बारे में और अंतर करेंगे यूकैरियोट प्रोकैरियोट, फिर प्लांट सेल एनिमल सेल, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए तब तक आपके मैथ्स गुरु भी तैयार हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए फिर मिलेंगे आज की क्लास में रेलवे में 10 से 11, और कल फिर यही टाइम और यही आपके फेवरेट चैनल महिंद्रा गुरु। चलिए आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए ओके बाय। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।